वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेनविन इन्फिनिटी। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप विंडोज़ 10 का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो है वो बूटेबल पेन ड्राइव बनानी पड़ेगी। और बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में बता रखा है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले मुझे बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए होगी, उसके बाद हम उसको लगाएंगे, फिर आगे का जो प्रोसेस है वो हमको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पीसी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है आपको ये देखिए मेरे में पासवर्ड पड़ा हुआ है। तो ये पासवर्ड जो है वो अभी देखिए मैं मुझे पासवर्ड नहीं पता है इसका कि इसका पासवर्ड क्या है। देखिए मैं सपोज कुछ भी टाइप करता हूँ, ये देखिए ये लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो इसको तोड़ने के लिए हम सबसे पहले अपनी जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसको लगाएंगे। उसके बाद देखिए नरेटर वाला पेन ड्राइव लगाने के बाद मैं इसको रिस्टार्ट करूँगा। देखिए यहाँ से देखिए क्लिक करिए और रिस्टार्ट कर दीजिए और फिर हम थोड़ा वेट करेंगे। और उसके बाद ये देखिए ये रीस्टार्ट हो गया है। रीस्टार्ट के बाद हम यूएसबी अपनी पेन ड्राइव लगाने के बाद मैं यूएसबी स्टोरेज डिवाइस पर सेलेक्ट करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। फिर से थोड़ा सा हम वेट करेंगे। यहाँ पे विंडो की स्क्रीन आ गई है। वेट करेंगे हम लोग बूट मेन्यू का और ये इस तरीके से बूट के लिए हमको देख शो ऑप्शन शो कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग जो है कुछ नहीं करेंगे, सिंपली अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप पे आप सिर्फ प्लस F10 दबाइए। और अगर भी सिर्फ प्लस F10 काम नहीं करता तो सब फंक्शन की के साथ सिर्फ प्लस F10 दबा सकते हैं तो आपके सामने CMD प्रॉम्प्ट खुल के आ जाएगा। CMD प्रॉम्प्ट खुलने के बाद आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपकी जो विंडोज़ है वो किस ड्राइव पर पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर नोटपैड टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ नोटपैड और फिर नोटपैड टाइप करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। फिर मैं कंट्रोल प्लस ओ करूँगा। ये देखिए दिस पीसी वाले जो ऑप्शन है मैं यहाँ पे जाऊँगा, दिस पीसी मैंने सेलेक्ट किया और मैं चेक करना है किस पे विंडो है। तो मैं सबसे पहले देख रहा हूँ ये ई ड्राइव है लेकिन मुझे नहीं मिल रही। सी पे मैं चेक करूँगा लेकिन यहाँ पे मेरी कोई विंडो नहीं है। तो फिर से मैं इस पीसी वाले ऑप्शन पे आऊँगा नीचे और यहाँ पर फिर से मैं दूसरे पार्टीशन पर आऊँगा ये देखने के लिए विंडो है कि नहीं है। तो मैं चेक करता हूँ, ये तो मेरी पेन ड्राइव है और कोई भी सब पे करके देख सकते हैं। देखिए इस पे मेरी विंडो पड़ी हुई है ई ड्राइव पे। ये हमको नोट करना पड़ेगा कि ये ई लेटर जो है हम लोग को याद रखना पड़ेगा। मुझे पता चल गया कि ई ड्राइव पे हमारी विंडोज़ पड़ी, तो उसको हम कट करेंगे सिंपली। कट करने के बाद हम कमांड टाइप करेंगे ई के बाद सेमी कॉलन, क्योंकि हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ई ड्राइव भी पड़ी है। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, सेमी कॉलन वाला एंटर प्रेस करेंगे। और ये देखिए फिर ये ऐसा आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे सर्च करेंगे CD के बाद स्पेस विंडोज़ लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अगर विंडो नहीं होगी तो पाथ नॉट स्पेसिफाइड दिखाएगा। देखिए इस पर विंडो है इसलिए विंडो शो कर रहा है, वरना यहाँ पे पाथ नॉट स्पेसिफाइड शो करता तो फिर इस पर विंडो है। फिर हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और फिर से CD स्पेस सिस्टम 32 टाइप करेंगे
और फिर एंटर प्रेस करके हम सिस्टम थर्टी सी ड्राइव में सिस्टम 32 फाइल के अंदर हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कॉपी स्पेस यूटिल मैन डॉट ई एक्स ई, फिर स्पेस देंगे हम, फिर लिखेंगे यूटिल मैन डॉट ई एक्स ई और फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। ई एक्स सी लिख दिया है और ये देखिए एंटर प्रेस करेंगे आपकी जो फाइल है सेशन 32 की वो कॉपी हो जाएगी। उसके बाद हम एग्जिट टाइप करेंगे, नो सॉरी, उसके बाद जो है हम फिर से टाइप करेंगे कॉपी स्पेस सी एम डी डॉट ई एक्स सी फिर यूटिल मैन डॉट ई एक्स सी ये टाइप करेंगे, फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। और एंटर प्रेस करके देखिए इसमें दिखा रहा है आपको ये सक्सेसफुली यूटिल मैन की फाइल जो है कॉपी हो चुकी है। अब यस कर दीजिए और फिर एग्जिट पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद अपनी जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसको निकाल लीजिए। और ये सारा जो है वो कट कर दीजिए। फिर हम वापस सेम पोजीशन पर आएंगे, पूरा काट देंगे हम, यहाँ से कट कर देंगे। ये थोड़ा हम वेट करेंगे। अब देखिए जहाँ पर नरेटर खुल रहा था, ये देखिए नरेटर वाला ऑप्शन जो है सर्कल के बगल में नीचे बिलो साइड देखिए, यहाँ पर नरेटर की जगह पे अब सी एम डी खुलेगा। तो ये सबसे अब ये एक ज़रिया बन गया है अंदर एंट्री लेने का, सी एम डी खुलेगा तो हमारे सामने ऐसी विंडो खुल के आएगी, सॉरी बहुत सारी खुल गई है। तो फिर से हम यहाँ पे एक कमांड टाइप करेंगे, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा नाम है उसके बीच में स्पेस ना हो, सिंपल नेम हो, लेकिन मेरा यहाँ पे नाम मेरे यूज़र का जीत है। तो रीनेम करने के लिए कमांड होता है नेट प्लीवीज, वो हम टाइप करेंगे और यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, रीनेम करेंगे, लेकिन ये रीनेम हम तभी करेंगे जब मान लीजिए जितेंद्र स्पेस वर्मा हो यूज़र का नेम। अगर सिर्फ एक नेम है तो हमें ये रीनेम करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हम रीनेम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे ऑलरेडी वेबसाइट का नाम जीत है। तो मैं फाइल पे आ गया हूँ। उसके बाद फिर से कमांड टाइप करेंगे हम यहाँ पे नेट स्पेस फिर यूज़र लिखेंगे फिर स्पेस फिर जो आपके यूज़र का नेम है, सपोज़ मेरे यूज़र का नाम जीत है, आपका जो भी होगा आप वो डालेंगे, फिर स्पेस फिर स्टार का जो सिंबल है वो यहाँ पे आप डालेंगे और फिर एंटर को 3 बार प्रेस करेंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये एंटर, ये आपसे पूछा टाइप ऑफ पासवर्ड नहीं करना है मुझे, एंटर फिर से एंटर, सक्सेसफुली आपका रिसेट हो गया। अब आप सिंपली इसको कट कर दीजिए, आपका पासवर्ड रिमूव हो गया है, जाकर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे क्लिक किया और ये सीधा मेरा खुल गया। फिर से अगर आपको वेरीफाई करना है या वेरीफाई करना है तो आप कट करिए, विंडो प्लस एल दबाइए, ये देखिए आपका पासवर्ड रिमूव हो गया है। अब ये साइन इन करिए, आपको कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा। देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।